हेलो दोस्तों, बॉलीवुड नजर टॉप 10 में आज हम बात करेंगे अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन से जुड़े ऑफिशियल अपडेट्स के बारे में। दिखाएंगे आपको रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का फर्स्ट लुक और बताएंगे ऐसी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉलीवुड नजर टॉप 10। शहजादा में कार्तिक की को स्टार मनीषा कोइराला ने एक इंटरव्यू में कहा कि कार्तिक बहुत टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और विनम्र व्यक्ति हैं, जो किरदार को समझते हैं और कुछ नया लेकर आते हैं। उन्होंने जिस तरीके की फिल्में चुनी हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडस्ट्री में उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रीसेंट इंटरव्यू में रणबीर कपूर संग शादी को लेकर आलिया ने कहा कि हाँ, मेरे करियर के पीक पर मैंने शादी की है और बेबी करने का फैसला लिया है, लेकिन कौन कहता है कि शादी करने और माँ बनने से मेरे काम में कुछ बदलाव आएगा। अगर आता भी है तो कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी एनिमल का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है, जिसमें लॉन्ग बियर्ड और कर्ली हेयर्स के साथ हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए रणबीर का लुक काफी इंटेंस लग रहा है, जिसे देख फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटो शेयर की हैं, जिसमें वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं और 48 साल की उम्र में ऋतिक की ऐसी फिटनेस को देखकर फैंस खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आलिया भट्ट ने न्यू ईयर के मौके पर अपनी क्यूट फोटो शेयर की थी, जिसके बाद नो देयर फैशन ने आलिया की इस नाइट सूट जैसी देखने वाली ड्रेस की प्राइस शेयर की है, जो करीबन 75,000 रुपए है। अजय देवगन ने रोहित शेट्टी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, नए साल की अच्छी शुरुआत रोहित शेट्टी के सिंघम अगेन के नरेशन से की है, जो स्क्रिप्ट मैंने सुनी वो फायर है, भगवान ने चाहा तो ये हमारी 11वीं ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी। 83 जयेश भाई जोरदार और सर्कस के फ्लॉप होने के बाद रणवीर सिंह अब अपनी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सब कुछ सही हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म स्क्रू ढीला में शनाया कपूर ने रश्मिका मंदाना को रिप्लेस कर दिया है। हालांकि डायरेक्टर शशांक खेतान या उनकी टीम ने इस बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है। पठान रिलीज के बाद शाहरुख खान डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी के क्रूशियल अंडरवाटर सीन की शूटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए शाहरुख खान अंडरवाटर ट्रेनिंग भी लेंगे। कियारा आडवाणी ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरे फेवरेट मल्होत्रास। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा और सिद्धार्थ 6 फरवरी के दिन शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए बॉलीवुड नजर।